सर आज की किस तरह का खुशियाँ मना रहे हैं आज? मतलब बेटी के आगमन पे क्या कहना चाहेंगे, कितनी भाई? सबसे बड़े तो लक्ष्मी घर पे आई है मेरे, बेटी मतलब हर बाप की चाहत बेटी होती है। सबसे बड़ी बात है कि बेटे एक टाइम पे बाप को ठुकरा सकते हैं, पर बेटी कभी नहीं ठुकराएगी भाई। नाज होना चाहिए अब हर इंसान को अपनी बेटियों पे। तो मैं बड़ा छाती बड़ी चौड़ी और मैं अपनी नन्ही सी बरी को अभी बस हॉस्पिटल से घर लेकर आया हूँ, तो शायद इतना इंसान आज खुशी इतना मैं आज खुश हूँ। बेटी एक लक्ष्मी होती है, लेकिन समाज में आजकल बहुत कुछ देखा जा रहा है बेटियों के प्रति। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की उस सोच को जो बेटियों के प्रति बहुत ही भाई आज की डेट में लड़कों से लड़कियां कहीं भी कम नहीं है। हर जगह पे आप देखोगे आज कंधे से कंधा लड़की मिला के चल रही है, बुढ़ापे तक बाप के सपोर्ट में आती हैं लड़कियां। शादी के बाद में भी अपने फादर्स को मदर्स को देखती हैं जो सपोर्ट बनती हैं। आज हमें ले लो यार, किसी मुझे ले लो, अपने आप को ले लो, आप लोग कितने माँ बाप के प्रति का आप लोग कर पाते हैं। इतना लाइफ में रुझ गए कि सिर्फ फ़ोन तक रह गए हैं लाइफ, ज़्यादा होता तो पैसे भेज देते हैं हम लोग, यही है ना लाइफ? सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? तो बेटी ऐसे नहीं करती। कितना मानते हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, कितना प्रैक्टिकल में जैसे होता है कि बेटी आती है तो बहुत तरक्की होती है, कितना क्या? भाई मेरी बेटियाँ तो मेरी लक्की चाह, मैं तरक्की मेरी बेटी के आने की बात करी है, अब इससे ज़्यादा तो क्या बोल सकता हूँ। क्यों जी? क्या ड्रीम है उसके बारे में बताएंगे, बेटियों को लेके आगे क्या उनकी फ्यूचर? यार मैंने अपनी बेटियों को मतलब मेरे दोस्तों की तरह है। अब मेरी बेटी को मुझे पूछोगे आपके डैड है तो बोलेंगे नहीं नौकर है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरी बेटी को पूछोगे ना कि आप कि आपके डैड है कि कौन है, वो साफ बोले कि मेरा नौकर है। तो मेरे बच्चों को मैंने बहुत फ्रीडम दे रखा, दोस्तों से रखा हुआ है, दोस्तों की तरह मेरा उनका रिश्ता बाप बेटी का नहीं, दोस्त का रिश्ता है, वो रिश्ता रखा अपने साथ बच्चों का। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग बच्चे थे जिससे हम प्यार दे रहे थे अंदर, तो उस टाइम आपने कुछ क्लैप के अंदर माही करके कुछ हम लोगों ने देखा, क्या उसके बारे में कुछ कहने जाएंगे? मेरी फिल्म मारी एक माही, हिंदी फीचर फिल्म मारी माही। तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरी बेटी आए, मेरे स्क्रिप्ट पे लक्ष्मी पैर रखे और क्लैप उसके हाथ लगे तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था, तो आज कुदरती स्क्रिप्ट भी मुझे आज ही मैंने मंगवाई। स्क्रिप्ट मेरी एक सवा महीने कंप्लीट पहले हो गई थी, तो इसको लिखा है अमित खान जी ने, जिनके 100-200 से ऊपर नावल आए हुए हैं और नावल मतलब बुक की हिस्ट्री में बड़ा नाम है उनका। होता है कि हमारे समझने के लड़के के नाम जो है माही लिखा जाता है, रखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन आपका एक संदेश है माही के थ्रू से समाज के लिए, तो ऐसा क्या संदेश है माही के थ्रू से? यह आजकल टिपिकल जो पंजाब में मतलब पंजाब क्या कहीं भी ले लो पर टिपिकल किस्सा है कि आज पंजाब में हम लोग कहीं भी रिश्ता पंजाब से अब्रॉड से लड़का आया और रिश्ता किया, हम दिखते भी नहीं उसको कि ये आया कहाँ से, करता क्या आया अब्रॉड में क्या नहीं, बस बाहर से आया और रिश्ता कर दिया। तो मैं कुछ डिफरेंट सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ उसके लिए। और मेरी फिल्म की लड़की जो मेन लीड है उसका नाम है माही। ऐसा कोई नहीं समझता कि लड़की को बोझ नहीं समझता, मगर ये समझते कि नहीं इसकी वजह से यार हमारा थोड़ा सा कुछ भाई, ये मेरे ब्रदर है पंजाब से, इनके यहाँ भी बेटी है, ये ब्रदर है इनके यहाँ भी बेटी है, इसके यहाँ भी बेटी है, ये मेरा छोटा भाई है हरियाणा से, इसके यहाँ भी बेटी है। तो आप जिस पांचों में से जिस मर्जी से बेटी के बारे में पूछ ले बात एक ही आएगी, चाहे स्टार्ट यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले। हम आपसे पूछेंगे तो हमारे लिए तो एक अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन हम जनता को एक आपके थ्रू से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लड़कों को ही क्यों प्यार करें, लड़की को क्यों नहीं? देखो क्या होता है कि देखो हर मैं आज अब मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ। मेरे यहाँ बेटी आई, मेरी बेटी आने के बाद मेरे सभी दोस्तों का क्या होता कि ओह कोई बात नहीं बेटी आई है यार टेंशन मत ले। भाई किस बात की टेंशन? पहला वर्ड टेंशन मतलब किस बात की टेंशन, क्यों टेंशन ली जाए, है कि नहीं? जब उसने लिखा है तो
तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, हिस्ट्री है ना। और बेटी आज की डेट में मुझे लगता है कि लड़कियाँ किसी लड़कों से कम होनी चाहिए, और लड़कियाँ मेरी मतलब आज हर चीज़ में आगे हैं यार, हर चीज़ में आगे हैं, चाहे इमोशनल में ले लो, चाहे पढ़ाई में, स्टडी में ले लो, चाहे और किसी चीज़ में लो, हर चीज़ में ही आगे हैं। अच्छा, बात करें कि आने से पहले आपने बहुत सारी कुछ तैयारियाँ कुछ सोचा होगा, वो क्या होगा मतलब? मैं यार, मैं सुबह से लगा था, 3-4 दिन से शॉपिंग ही चल रही है बस, 3 दिन से मतलब मेरी शॉपिंग ही चल रही है उसकी, कभी ये कभी वो कभी वो, तो मेरे खुद के आस पड़ोस वाले दुखी हो चुके हैं मेरे से, हर 2 घंटे में बाजार में होते हैं हम लोग। नामकरण के बारे में बताएंगे कुछ, नाम क्या सोचा यार? अभी एक वीक के बाद मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, गुरुद्वारे में से पाठ है, पाठ के बाद जो भी बाबा जी की तरफ से अक्षर पहले लिख लेगा उस हिसाब से मैं नाम रखना। यार मेरी तरफ से पहला उसको फ्रीडम में पूरा दूंगा, मैं कोई प्रेशर नहीं करना चाह रहा बच्चों के ऊपर कि वो ऐसा हो कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है, थोप दूँ वो उनकी, उनको इतना फ्रीडम मेरे पास है कि वो जो चाहे मैं फुल सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उनको कौन सा स्टडी करना है, उनको कौन सा मतलब कि फील्ड चुनना है। स्टोरी क्या होगी, कुछ हल्का सा? नहीं यार, कुछ अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, थोड़ी सी चीज़ें हैं पर्सनली, मैं रोमांटिक है, रोमांटिक फिल्म है यार, रोमांटिक टिपिकल रोमांटिक फिल्म है। हाँ, लड़की बेस होगी, कुछ मैसेज निकलेगा, लड़की के बेस पे फिल्म है और रोमांटिक फिल्म बना रहा हूँ। सर आप कि बताइए किस तरह खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप लोग? भाई हाँ, चाचे इनसे पूछने का हक बनता है आप लोग मुझे, और आप क्या चाहते हैं? कितनी खुशी फील हो रही है आपको आज भतीजी आई है? एक्चुअली क्या है कि भाई जैसे ना बहुत कम लोग हैं अपने समाज में कि जो बेटियों को इतना अपडेट करते हैं, नहीं तो आज की डेट में आप सब लोगों को तो मालूम है कि बेटियों को कैसे देखा जाता है। और मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग आने चाहिए आगे, और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ना जाना चाहिए ऐसी सोच के ऊपर कि हम लोग बेटियों को अगर आगे लेके आएंगे, क्योंकि उसी कोख से हम पैदा हुए ना, वही माँ है ना, वही बहन, उसी कोख से हम निकले, तो उस कोख को हम बुरा क्यों बोलें? तो जैसे हमारे सिखिज्म में गुरु नानक साहब ने एक लिखा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, तो ऐसी सोच को सलाम है कि हमारे गुरुओं की पीरों की सोच के ऊपर हमारे भाई ऐसे हम सब चल रहे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ज़्यादा कुछ नहीं, कि ऐसी सोच हर एक की होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी सोच होनी चाहिए कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना करो। और जितना मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि जितना इन्होंने बेटे के ऊपर, शायद होता तो शायद थोड़ा बहुत कम कर लेते कंजूसी, लेकिन बेटी के ऊपर नहीं किए। ये सबसे बड़ी मुझे बात लगी कि जब भी फ़ोन किया जा मिले तो शॉपिंग में कुछ ना कुछ लेके आ रहे कर रहे, तो ऐसा हर एक की सोच बननी चाहिए, ये मैसेज है सब लोग। सर आप क्या कहने जाएंगे? ये मोंटू जी हमारे चाचा जी हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस लक्ष्मी की पूजा हम रोज करते रहते हैं, आजा 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 ही है, तो बस उसको सेलिब्रेट करना है, बाकी बात है बात। अच्छा मोंटू जी दारू से सेलिब्रेट करेंगे, किससे करेंगे? ये तो चाचा से पूछो भाई, 3 दिन से सेलिब्रेट के बारे में चल रहा है बात। भी सेलिब्रेट तो ऐसी होती है कि भाई जिनकी बेटी हुई है वही लक्ष्मी बांटे, उसी से काम होगा। तो आगे आपने भी सोचा है लक्ष्मी आएगी घर में तो क्या नाम हो? वो सब जैसे बता चुके हैं कि नहीं, गुरुद्वारे में जाके ही बारे में बताइए ना थोड़ा कि घर में आपने क्या सोचा है मतलब बेटा या हमारे में? देखो हमारे में तो वही बात होती है कि जब तक गुरुद्वारे जाके नाम नहीं निकालते तब तक नाम रखे जाते ही नहीं, ना सोचे जाते हैं, तो जब तक हम गुरुद्वारे जाते तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इसके बारे में। सर लड़कियों के प्रति आपकी बहुत गाइड सोच है, तो अगर मैसेज देना चाहें जो लोग देखें इस क्लिप को और मैसेज देना चाहें लड़कियों के प्रति, क्या मैसेज? बस भाई यही बोला है लड़कों को, लड़कियों को लेके भाई ठीक है, आप लोग लड़कों को प्यार करते हैं, मेरा कहना यही है कभी कोख में बच्ची मत मारो यार, एक किसी कोख से आप भी पैदा हुए हो, अगर उनको किसी ने मारा होता तो तुम कहाँ से होते बताओ ना? अगर आपकी माँ को पहले किसी उनके पिता ने मार दिया होता तो तुम कहाँ से होते? इसलिए बच्चों को मत मारो, बच्चों को प्यार करो, पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि आपका नाम रोशन कर सकें। आज बेटियाँ कहाँ नहीं पहुँची, हर जगह पर बेटियाँ हैं भाई, यही कहना है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। पहले तो मेरे बड़े भाई को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी का वास जो है नसीब वालों को होता है, जो हमारे घर में हुआ है आज,
और जो बेटियों की जो बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से भाई ने बताया कि लक्ष्मी का जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे लड़कियों का भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि लड़कियां अब किसी भी माध्यम से, मतलब पीछे नहीं है। जो एजुकेशन हम लोग जो लड़कों को देते हैं आज, वही सेम उनको देना चाहिए। जैसे भाई की सोच है कि जो वो पढ़ना चाहे, जो वो फील्ड चुनना चाहे, वो मैं उनको कराऊंगा और उनके मन से कराऊंगा। तो ये सोच हम लोग को, सब लोग को, मतलब कि लड़की के प्रति करनी चाहिए। और लड़कियां वैसे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने देश में आगे बढ़ रही है, ऐसे भाई की सोच जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, भाई के माध्यम से। और लड़कियों के बारे में जो सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए और लड़कियों का मतलब कि आगे लड़कियों के प्रति सोच बढ़ानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई सुनील है, मेरा भाई छोटा, और ये स्पेशल हरियाणा से आया है स्पेशल। सबसे पहले तो भाई साहब, अगर बेटी हुई है उसकी शुभकामनाएं। और बेटी मेरे पास भी है, मतलब दो बेटियां हैं मेरे घर में, लड़का भी है बेटा भी है। तो बेटियों को पूरी आज़ादी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ पर ऐसा हो सकता है भाई, बेटे की डिमांड पूरी नहीं होगी लेकिन बेटी की जरूर पूरी होगी।